रियाज स्वीट टारगेट में स्वागत है आपका दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वो प्रश्न जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी बात करें करंट अफेयर 2022 की, फरवरी का मंथ खत्म हो चुका है, नया मंथ स्टार्ट हो चुका है मार्च का। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक हो चुके हैं और आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि देखेंगे क्या कह रहा है कि युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसे प्यारे बच्चों ये पूछा है कि भैया बताएंगे जो हमारे महान गणितज्ञ थे जिनका नाम था रामानुज, ये पुरस्कार किसे दिया गया है 2021 का। तो बच्चों अगर आप तुमसे बात करें इस क्वेश्चन की तो याद रखो 2021 का ये जो पुरस्कार दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है इसे दिया है नीना रॉय, नीना गुप्ता को दिया गया है, नीना गुप्ता। तो नीना गुप्ता को बेसिकली ये अवार्ड दिया गया है कि बताएंगे गणितज्ञ के रूप में फेमस हैं रामानुजन, याद रखेंगे। तो पूछेगा ये किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे कोलकाता के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, कोलकाता में यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ठीक है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कोलकाता के अंदर है इसी में है, प्रोफेसर कौन है, नीना गुप्ता है, याद रखिएगा नीना गुप्ता है। अगर तुमसे बात क्वेश्चन ये पूछा जाए कि रामानुजन किससे संबंधित हैं, तो याद रखेंगे ये महान गणितज्ञ हैं, महान गणितज्ञ हैं। तो महान गणितज्ञ की बात करें तो रामानुजन आएंगे। याद रखें इस पुरस्कार को देने की शुरुआत हुई थी, इस पुरस्कार को देने की शुरुआत की अगर हम बात करें तो सन 2004 में इसको दिया गया था। अगर पहली बार ये अगर बात करें तो पहली बार इस पुरस्कार को दिया गया पुरस्कार की बात करें तो किस सन में दिया गया है पुरस्कार पूछे आपसे, तो किस सन में दिया गया है, तो 2005 के अंदर इसके अंदर सबसे प्रथम के रूप में रामानुजन पुरस्कार दिया गया था। प्रेजेंट टाइम में नीना गुप्ता को ये पुरस्कार दिया गया है। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2021 के अंदर बात करें 2021 के अंदर देखें तो आप 2021 के अंदर ये यूपीटेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको फोकस रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की ओर जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कह रहा है सीबी की पहली चेयरपर्सन कौन बनी है, सीबी की पहली चेयरपर्सन कौन बनी है। तो याद रखेंगे बच्चों अगर तुमसे पूछे सीबी की पहली चेयर जो बात करें, पहली महिला चेयरपर्सन की बात करें कि पहली चेयरपर्सन कौन बनी है, याद रखेंगे महिला चेयरपर्सन कौन बनी है तो इसके बारे में बात करेंगे, तो देखेंगे तो ये बनी है माधुरी पुरी, ये जो सीबी है SABI इसकी चेयरपर्सन बनी है माधुरी पुरी बुच। तो माधुरी पुरी बुच बनी है। पूछ सकता है आपसे कि ये किन की जगह लेंगी, तो इनके जगह जो लेंगी यानी इनकी जगह पर कौन थे इससे पहले पूछेगा, तो लिखेंगे अजय त्यागी की बात करें तो अजय त्यागी की जगह कौन लेंगे, माधुरी पुरी लेंगी। तुमसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि बताएंगे सीबी की स्थापना अगर कब हुई, तो सीबी की स्थापना अगर आपसे पूछे तो ये होती है 12 अप्रैल 1988 के अंदर, बट लागू की बात करें तो अधिनियम आया 1992 का, तो ये 1992 से लगातार इसको लागू किया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो अगर तुमसे पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बच्चों, तो लिखेंगे हेडक्वार्टर कहाँ इसका, लिखेंगे मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है कि क्वेश्चन पूछा सकता है कि बताओ कि सीबी की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है, तो माधुरी पुरी भुच बनी है। किन की जगह लेंगी, तो अजय त्यागी की जगह लेंगी। स्थापना कब होती है, तो 12 अप्रैल 1988 के अंदर इनकी स्थापना होती है। लागू की बात करें तो एक अधिनियम आया था 1992 के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या है प्रतिवर्ष कार्य करती चली आ रही है 1992 से। और हेडक्वार्टर की अगर बात करें आपसे तो हेडक्वार्टर इसका प्यारे बच्चों होगा मुंबई, ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यही बन गया। तो तीसरा क्वेश्चन हो चुका है अब तक यहाँ पे, दूसरा
सी बी के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये याद रखो बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ आप लोगों के लिए आज। तो देखेंगे तो ये कब मनाया जाए है, तो लिखेंगे 28 फरवरी को, यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी को। याद होगा आपको 1928 के अंदर सीवी रमन ने खोज की थी जिसका नाम था रमन प्रभाव की खोज करी। तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है बच्चों के, बताओ कि सीवी रमन का संबंध किससे है, सीवी रमन का संबंध किससे है, तो ये भौतिक विज्ञान से संबंध है इनका, किससे है, भौतिक विज्ञान से इनका संबंध है। तो सी वी रमन ने खोज की थी रमन प्रभाव की, तब प्रतिवर्ष के रूप में हर 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। तो नाम याद रखिएगा, सी वी रमन का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और दो चीज़ मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, पॉइंट बना के लिखिएगा कि याद, अगर तुमसे पूछे 1 से 7 मार्च जो ये पहला सप्ताह है मार्च का, इसमें मनाया जा रहा है जन औषधि सप्ताह। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि जब बताएंगे जन औषधि सप्ताह कब से कब मनाया जा रहा है, जन औषधि सप्ताह कब से कब मनाया जा रहा है, तो 1 से 7 मार्च के रूप में मना रहा है। दूसरा नोट करके लिखेंगे 1 से 8 मार्च, इस मार्च को बात करें तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं के ऊपर क्वेश्चन तो बनता है कि भैया नारी हूँ लड़ सकती हूँ, ये प्रियंका गांधी का क्या है, लोगो है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को ये मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। वेरी गुड क्वेश्चन है। तो कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ से कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, 1928 के अंदर सी वी रमन ने खोज की थी रमन प्रभाव की, साथ की बात करें इनका संबंध किससे है, तो भौतिक विज्ञान से संबंध है, और 1 से 7 मार्च के बीच मनाया जा रहा है जन औषधि सप्ताह, और 1 से 8 मार्च की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अगला, बात करेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि देखेंगे अगर लिखेंगे मृत्यु के मामले में, अगला क्वेश्चन है मृत्यु के मामले में हिट एंड रन पीड़ितों के परिजनों के लिए संशोधित मुआवजा कितना तय किया गया है। यानी जो क्वेश्चन लिखा है इसे पढ़ेंगे, मृत्यु के मामले में जो हिट एंड रन केस बढ़ रहे थे, याद रखेंगे सलमान खान का नाम याद होगा आपको, हिट एंड रन केस के अंदर काफ़ी लोगों को उन्होंने उनकी गाड़ी से एक्सीडेंटल हो गया था, याद रखेंगे। तो इस प्रकार की बात करें, अगर रोड पे अगर किसी को हिट कर जाए और सडनली उसकी मृत्यु हो जाए, तो ये याद रखिएगा सरकार उसको कितने रुपये लाग देगी, 2 लाख रुपए। हिट एंड रन केस में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए मुआवजा के रूप में सरकार देगी, ये याद रखें। ये अगर तुमसे पूछे कि ये स्कीम कब से लागू होने वाली है, तो ये लागू होगी बेटा 1 अप्रैल 2022 में। तो मेरे भाइयों, सलमान खान से जो रोड पर चल रहा है सलमान खान है, उनसे बच के रहना, समझ रहे हैं, वरना निपटा जाएगा तुम्हें 2 लाख रुपए में, याद रखिए होगा, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि सुल्तान अजलान शाह
कब किस खेल से संबंधित है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये याद रखेंगे हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह रहने वाले ये राजा थे कहाँ के, मलेशिया के, तो याद रखिएगा ये कहाँ पर आयोजित होता है, ये कहाँ पर आयोजित होता है, तो लिखेंगे मलेशिया के अंदर इसका आयोजन होता है, मलेशिया के अंदर। पूछेगा कब से हो रहा है, तो 1983 से इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। तो हॉकी का संबंध है अजलान, सुल्तान अजलान, हॉकी सुल्तान अजलान, हाँ शाह कब से संबंधित है हॉकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पे लिखा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बता रहा है कि भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। सभी लोग इसका आंसर देंगे कि कौन सा ऑपरेशन चालू किया है, लगाएंगे भारत सरकार ने, जो लोग हमारे यूक्रेन के अंदर फंसे हैं, यूक्रेन में युद्ध की हालत चल रही है, तो इसी की बात करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले मैं बता दूँ कि वो कहाँ के कहाँ हैं, यहाँ पर पड़ेगा यूक्रेन, मान के चल रहा हूँ मैं, यहाँ पर यूक्रेन है, यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन जो पश्चिम एरिया की ओर पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा आपका हंगरी और यहाँ का पड़ेगा रोमानिया। इन्हीं बॉर्डर पे हमारे छात्र जो हैं इस टाइम फंसे हुए हैं, ये याद रखिएगा। तो हमारे विदेश मंत्री कौन हैं, तो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, एस जयशंकर, ठीक है। कौन है, जयशंकर हैं। अगर तुमसे पूछे हंगरी की राजधानी, अगर आपसे पूछे हंगरी की राजधानी अगर आपसे पूछे तो क्या होगी, तो लिखेंगे बुडापेस्ट, बुडापेस्ट। अब इसे याद कैसे करेंगे, भाई रात में बुड्ढा खा के सो, रात में बुड्ढे ने खाया खाना, सुबह उठते बुड्ढे को लगी क्या भूख, हंगरी का मतलब क्या होता है भूखा, बुड्ढा सुबह पेस्ट करके भूखा हो गया बुड्ढा, ठीक है याद रखिएगा। दूसरा क्या है, रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट, बुखारेस्ट, तो बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। भाई बुड्ढे ने पेट भर के खाना खा गया, वो क्या हो गया उसका, बुखार पड़ गया, बुखार पड़ गया, डॉक्टर ने कह दिया रेस्ट ले ले बेटे रेस्ट, ठीक है, वरना रेस्ट एंड पीस हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, रोमानिया की राजधानी क्या है, बुखारेस्ट है, राजधानी कौन सी है, बुडापेस्ट राजधानी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा आपसे कि पूछ रहा है कि कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ये याद रखेंगे। ऑपरेशन की अगर बात करें तो इसका आंसर होगा, ऑपरेशन का होगा ऑपरेशन गंगा, कौन सा होगा, ऑपरेशन गंगा चलाया है, ये याद रखिएगा। कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ कि ऑपरेशन गंगा किस किस के बीच में चला है, याद रखेंगे कि ऑपरेशन गंगा किस किस के बीच में चला है, तो ये रखेंगे भारत और यूक्रेन के मध्य चला है, जहां पर हमारे भारतीय लोग फंसे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर MBBS कर रहे थे, बहुत बढ़िया बात करी आपने, तो ऑपरेशन गंगा ये चलाया गया है। मैं इसमें एक आपको दो चीज़ को नोट करा देता हूँ, अगर पूछे आपसे कि 2015 के अंदर भारत और यमन के मध्य कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो भारत एंड यमन के मध्य कौन सा ऑपरेशन था, तो लिखेंगे ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन राहत, ठीक है। तो ऑपरेशन राहत की अगर बात करें तो भारत और यमन के मध्य था। एक और बात करूं, 2015 के अंदर देखा होगा आपने ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था, ऑपरेशन मैत्री, ये भारत और नेपाल के मध्य चलाया गया था, भारत एंड नेपाल के मध्य, ठीक है, भारत और नेपाल के मध्य, भारत नेपाल एंड भारत के मध्य चलाया गया था। देखा भी होगा आपने कि जैसे ही BJP सरकार आती है तो 2015 के अंदर बाबा रामदेव और नरेंद्र मोदी कहाँ जाते हैं विजिट करने के लिए, नेपाल के अंदर जाते हैं, और सडनली वहाँ पर भूकंप आ जाता है जिससे वहाँ तबाही मच जाती है, नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भारत की ओर लौटते हैं। तो याद रखिएगा इस प्रकार की जो ऑपरेशन चलाया गया था वो कौन सा ऑपरेशन था, तो ऑपरेशन मैत्री उसको बोला गया है बच्चों, याद रखिएगा। एक और मैं आपको बताता हूँ कि 2020 के अंदर याद रखिएगा, ठीक है, 2020 के अंदर कोविड के कारण
फंसे लोगों को अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि कोविड के लिखेंगे कोविड के कारण फंसे लोगों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ये याद रखेंगे वंदे वंदे भारत मिशन चलाया गया था, वंदे भारत मिशन। अगर तुमसे पूछे वंदे भारत मिशन कब चलाया गया, तो याद रखें 2020 के अंदर चलाया गया, कोविड के कारण जो लोग विदेशों में फंसे थे उनको लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के मध्य चलाया गया, जो हमारे जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए 2015 में कौन सा है, भारत और यमन के बीच ऑपरेशन राहत चलाया गया, और 2015 में ऑपरेशन मैत्री चलाया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात करी बच्चा, ठीक है बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि धर्म गार्डियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है, तो ये याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर तुमसे पूछे धर्म गार्डियन की पूछे, धर्म गार्डियन जो चल रहा है अभ्यास ये किस किस के मध्य चल रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। युद्ध की स्थिति है तो क्वेश्चन तुमसे कुछ भी पूछा सकता है, पढ़ाई पे अपना ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछे धर्म गार्डियन, ठीक है, तो धर्म गार्डियन अभ्यास ये याद रखें भारत और जापान के मध्य है, भारत और जापान के मध्य। अगर पूछे इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो मेरे प्यारे लल्ला इसका आयोजन हो रहा है कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के अंदर जिसने नाम सुना होगा KGF का नाम सुना है, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल बता रही है बहुत सुना है तुमने KGF का नाम। तो KGF मूवी की बात करें तो सोने की खाने जो हैं वो आपका KGF यानी कर्नाटक के अंदर है, याद रखें सोने निकालने वाली। ठीक है, बहुत बढ़िया बात करी। तो ये भारत और जापान के मध्य होता है, इसका आयोजन कौन करा रहा है, इसका आयोजन हो रहा है कर्नाटक के अंदर। बात करें ये कब से मनाया जा रहा है, तो याद रखेंगे 2018 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है, 2018 से प्रतिवर्ष के रूप में ये मनाया जा रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा देश चक्रवात इमनाती की चपेट में आया है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश चक्रवात इमनाती की चपेट में आया है, तो लिखेंगे इसका आंसर क्या होगा, तो लिखो मेडागास्कर, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, मेडागास्कर यानी इमनाती चक्रवात के रूप में आए हैं। तो अगर बात करें भारत की स्थिति की, यहाँ पर श्रीलंका है, तो यहाँ पर क्या है अपना मेडागास्कर है, याद रखिएगा मेडागास्कर। अब मेडागास्कर की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ग्रेट रेड द्वीप, इसे कहते हैं ग्रेट रेड द्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो लाल है, कैसी है, लाल है, इस कारण यहाँ पर चावल की खेती की जाती है। खेती अगर बात करें किस चीज़ की जाती है, चावल की खेती की जाती है। मेडागास्कर की बात करें तो विश्व का चौथे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का चौथे नंबर का चौथे क्रम का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा सकता है, बताओ कि विश्व का चौथे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो मेडागास्कर है। अब मेरा तुम लोगों से क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कि ये तो हो गया चौथे नंबर का, अगर तुमसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बेटा, इसका आंसर होगा ग्रीनलैंड, कौन सा होगा, ग्रीनलैंड। अब बात करें ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड दो ओर से, दो सागरों से घिरा हुआ है, दो महासागर सागर की बात करें तो दो सागरों से घिरा हुआ है, एक जगह अटलांटिक एक है आर्कटिक। ठीक है, तो दोनों ओर से घिरा हुआ है, अटलांटिक से घिरा हुआ है और आर्कटिक सागर से घिरा हुआ है। ग्रीनलैंड की बात करें तो चौथे क्रम का मेडागास्कर हो गया। पहले क्रम की बात करें कौन सा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। कह रहा है कि जमीनी द्वीप जो हाल ही में खबरों में रहा है किस सागर और महासागर में स्थित है, तो ये याद रखिएगा ये यूक्रेन के अंदर पड़ती है। मैंने आपको बताया था यूक्रेन के जो पास में जो सागर पड़ता है उसका नाम होता है काला सागर, कौन सा सागर है,
काला सागर। तो ठीक है, याद रखिएगा, इस काले सागर की बचाव के लिए जिन भी यूक्रेन के गार्ड्स ने, यूक्रेन के गार्ड जो होते हैं, उन्होंने अपनी जान गंवाई है, तो उन्होंने जेलेंस्की ने उन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। तो जमीनी द्वीप का संबंध किससे है? यूक्रेन से है। यूक्रेन मीन्स क्या है? काले सागर से इसका संबंध है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि बताएंगे इसरो के लिए किस अंतरिक्ष मिशन उपग्रह ने पहली बार सोलर प्रोटॉन इवेंट्स का पता लगाया है। तो सोलर इवेंट्स की बात करें तो इसका आंसर होगा चंद्रयान 2 की बात करेगा, चंद्रयान 2 की बात करेंगे, तो चंद्रयान 2 की बात करेंगे। अब याद रखें इसे किसने बनाया था? इसे बनाया था इसरो ने। किसने बनाया? इसरो ने। इसरो की स्थापना बताएंगे क्या होगा? 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो लिखेंगे एक इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर के अंदर। कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर हो गया बच्चों बैंगलोर के अंदर। ठीक है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं, इस पर को रिविजन कर लेना, इसका जो भी तुम्हें टॉपिक में दिक्कत आए मुझे सेंड करना मैसेज के अंदर, और सब्सक्राइब हमारे चैनल करते रहिएगा। तब तक के मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। ये है कि देखेंगे आज जयंती है, आज जयंती है रामकृष्ण परमहंस की। ठीक है, परमहंस की, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस की जयंती है, तो ये याद रखेंगे। तो इसका टॉपिक भी ध्यान रखिएगा भैया कि आज जयंती जिसकी है उनके भी याद नाम याद रखिएगा कि रामकृष्ण परमहंस, आज इनकी जयंती है। तो प्यारे बच्चों बताएंगे कि कौन सी नंबर की जयंती है। ठीक है, जल्दी से जल्दी कमेंट करें कौन से नंबर की जयंती है, रामकृष्ण परमहंस की जयंती है। तो ये बच्चों याद रखेंगे इनकी जो जयंती है वो 186वें नंबर की जयंती है, यानी 2022 में कौन से नंबर की जयंती मनाई जा रही है? तो 186वें नंबर की जयंती मना रही है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अब तुमसे क्या पूछेगा? पूछेगा कि बताओ कि इनका, रामकृष्ण परमहंस की बात करें, इनका जन्म कब होता है? तो बहुत बड़ी बात कर दी। तो जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है 18 फरवरी 1836 को इनका जन्म होता है। याद करने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। तो 18 यानी ये होता है 18, महीना होता है दूसरा। ठीक है, तो 18 का पहाड़ा पढ़ो, 18 धुनी 36। क्लियर है यहाँ तक? तो 18 की टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो 18 जो ट्वाइस करेंगे आप, तो क्या होता है 18 धुनी 36 के हिसाब होगा। ठीक है, वेरी गुड आंसर होगा, बहुत बढ़िया। आप लोग ये क्वेश्चन ये है, मार्कर में इंक नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे अगर आपसे पूछे इनके बचपन का नाम क्या है, जल्दी से बताएंगे आप लोग कि रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम क्या है, इनके बचपन का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट्स करें कि रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम क्या है, जल्दी कमेंट्स करें आप लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, लिखेंगे गदाधर। क्या है? गदाधर। ठीक है, ये याद रखिएगा कि गदाधर किसके बचपन का नाम है, रामकृष्ण परमहंस का नाम है। अगर बात करें इनका जन्म की बात करें तो याद रखो बच्चों, तो वो हिंदू कैलेंडर की अगर बात करें लोग आपसे, तो हिंदू कैलेंडर के अंदर माह आता है फाल्गुन का। कौन सा माह आता है? फाल्गुन का माह होता है। उस टाइम पर शुल्क पक्ष द्वितीय का समय था। ठीक है, शुल्क पक्ष द्वितीय के समय इनका जन्म हुआ था, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो फाल्गुन का वो महीना था जब इनका जन्म हुआ था, तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग फाल्गुन का महीना था जब इनका जन्म हुआ था। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ इनके पिताजी का नाम क्या था। ठीक है, तो पिताजी का नाम बताएंगे, इनके पिताजी का नाम क्या है, पिता का नाम लिखो, खुदीराम। क्या है बेटा? खुदीराम। चलो ये तो मैंने बता दिया, तुम इनकी माता का नाम बताओ, जल्दी से इनकी माता का नाम बताओ। जल्दी से माता का नाम बताओ। वेरी गुड,
बहुत बढ़िया। तो माता का नाम लिखेंगे चंद्र देवी। क्या है बेटा? चंद्र देवी, इनकी माता का नाम चंद्र देवी। ठीक है, तो राम कृष्ण परमहंस की माता का नाम चंद्र देवी हो गया, पिता का नाम खुदीराम हो गया। इनका जन्म पूछे तो 18 फरवरी 1836 को हो गया। याद रखें, बचपन का नाम गदाधर हो गया। कौन सी जयंती पूछ रही है आपसे? तो 186वीं जयंती है ये, याद रखिएगा। कब मनाई जा रही है? 2022 में मनाई जा रही है। पूछेगा जन्म स्थान, अगर आपसे पूछे कि इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, तो स्थान की बात करेंगे आपसे। नाम सुना होगा आपने कोलकाता का, कोलकाता तो जन्म है कोलकाता। ठीक है, वहीं पर पड़ता है हुगली, जगह पड़ती है हुगली, और हुगली ज़िले के अंदर, याद रखेंगे हुगली ज़िले के अंदर। ठीक है, जल्दी से कमेंट्स बताओ कहाँ पर हुआ, कोलकाता के अंदर हुगली जगह पड़ती है, ज़िला पड़ता है, कौन सा ज़िला पड़ता है, जल्दी से कमेंट्स करो। कौन सा ज़िला पड़ता है, जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ। तो लिखेंगे कमर पुकुर, यानी कमर पुकुर के अंदर इनका क्या होता है, जन्म होता है। तो स्थान पूछेगा, स्थान कोलकाता, जगह हुगली, जिला कमरपुर के अंदर इनका स्थान होता है, याद रखेंगे बिल्कुल। अब क्या होता है, कुछ समय के बाद बात करें तो कुछ समय के बाद इनकी माताजी का देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद देखेंगे आप, तो इनके एक बड़े भाई होते हैं जो मंदिर के अंदर पुजारी होते हैं। तो मंदिर में जब पुजारी होते तो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कार्यभार किसे मिलता है, तो राम कृष्ण को सेवा करने का मौका मिलता है। तो ये याद रखेंगे, तो काली माता की उपासना के लिए कौन जाने जाते हैं? क्वेश्चन क्या पूछेगा कि काली माता की उपासना के लिए कौन जाने जाते हैं? तो राम कृष्ण परमहंस जानते हैं। ठीक है, तो राम कृष्ण परमहंस याद रखिएगा। ठीक है, तो काली माता के उपासना के लिए किसे जाना जाता है? राम कृष्ण परमहंस को जाना जाता है। आगे चलते हैं, अब क्या होता है देखते हैं। अब जब बात करें राम कृष्ण की, तो राम कृष्ण जी जो थे, अब देखो यहाँ पर जब मंदिर में काफ़ी समय तक लीन रहने के बाद क्या हुआ, इन्हें एक भिक्षु मिलते हैं 1865 के अंदर। कब मिलते हैं? इनकी मुलाकात होती है भिक्षु से, एक भिक्षु से मुलाकात होती है। और भिक्षु उन्हें कब मिलता है, यानी इनके गुरु की बात करें तो इन्हें मिलता है 1865 में मिलता है। कब मिलता है बेटा? 1865 में ये गुरु मिलते हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है आपसे, बताओ कि राम कृष्ण परमहंस के गुरु का नाम क्या था? राम कृष्ण परमहंस के गुरु का नाम क्या था? राम कृष्ण परमहंस के गुरु का नाम क्या था, जल्दी बताओ। जल्दी से बताएंगे इनके गुरु का नाम क्या था। लीजिए, सब में रायता फैल गया। राम कृष्ण परमहंस के गुरु का नाम, देखो बालको मेरे हाथ भी गंदे हो गए हैं। राम कृष्ण परमहंस के गुरु का नाम क्या था? ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। तो 1865 के अंदर इनके गुरु ने इन्हें किस चीज़ की उपाधि, मतलब इनको क्या बना दिया, सन्यासी बना दिया। ठीक है भैया, आप भी क्या है, लीन हो जाएं, तो याद रखें। तो 1865 में गुरु जो भिक्षु थे उन्होंने क्या बना दिया, इनको सन्यासी बना दिया। क्या बना दिया बेटा? इनको सन्यासी बना दिया। अब सन्यासी बना दिया तो इनके गुरु का नाम पूछेगा या ये भिक्षु का नाम पूछेगा, तो क्या नाम था? तोतापुरी। कौन था बेटा? तोतापुरी। तुम्हें भी भिक्षु बना दूंगा मैं किसी दिन, ठीक है, तुम्हें भी सन्यासी बना दूंगा लल्ला। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, ज़्यादा हैरानी करोगे ना तुम्हें तोतापुरी बना दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो क्या है, किन्ने 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 भिक्षु बनाए इन्हें? राम कृष्ण परमहंस ने इनको भिक्षु, जो मतलब सन्यास के रूप में किसने बनाया, तोतापुरी ने इनको बनाया। बात करें राम कृष्ण की, इनके क्वेश्चन ये पूछता है इनके प्रिय शिष्य कौन थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इनके प्रिय शिष्य कौन थे। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो इनके प्रिय शिष्य, अगर शिष्य अगर आपसे पूछे कि इनके जो शिष्य थे वो कौन थे, तो शिष्य जिनके प्रिय शिष्य थे इनके थे स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है, क्वेश्चन यही पूछेगा।
रामकृष्ण परमहंस है, ठीक है, याद रखेंगे रामकृष्ण है। स्वामी के जो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण है, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलने की बात करें तो देखेंगे, इनकी अगर बात करें तो कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु कब होती है आप लोग मुझे बताएंगे, कब होती है इनकी मृत्यु, कब होती है रामकृष्ण मिशन की, रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु कब होती है, कौन बताएगा इनकी मृत्यु कब होती है। तो इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो इनकी मृत्यु होती है बेटा 1886 के अंदर, 1886 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये याद रखो, एक याद रखो, इन्हीं की याद में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी, ठीक है। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये याद रखेंगे, तो स्वामी विवेकानंद ने किन्होंने, जो इनके शिष्य थे, तो ये स्थापना करते हैं किसकी, रामकृष्ण मिशन की, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। बताएंगे इसकी स्थापना कब होती है, तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है बच्चा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है, ये लो आपसे क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है। जल्दी से कमेंट्स करें, सभी बालक कमेंट्स करेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है। चलो मैं बता देता हूं, आगे चलते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 1 मई 1897 में इसकी स्थापना होती है, याद रखिएगा। पूछेगा कहाँ पर है, तो कोलकाता के अंदर होती है। अगर तुमसे पूछे रामकृष्ण मिशन की इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अगर मुख्यालय अगर आपसे पूछे हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वेल्लूर मठ में है। कहाँ पर है, वेल्लूर मठ में है, ठीक है। वेल्लूर मठ का नाम आपने सुना होगा, वेल्लूर मठ के अंदर है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की गुंजाइश सबसे ज़्यादा है। रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो इनका जो एक कौन सी नंबर की जयंती है, 186वें नंबर की जयंती है, कब मनाई जा रही है, 2022 के अंदर मनाई जा रही है। अगर जन्म पूछे आपसे जन्म कब होता है, तो 18 फरवरी 1836 के अंदर होता है। दूसरा महीना फरवरी का, तो 18 18 18 36 के नाम से याद कर सकते हैं। बचपन का नाम पूछे तो गदाधर है, बचपन का नाम गदाधर। एक पूछेगा क्वेश्चन कि हिंदू धर्म का कौन सा कैलेंडर है, तो फाल्गुन का महीना था जब इनका जन्म हुआ, ठीक है। बात याद करें तो इनके पिता का नाम याद रखेंगे खुदीराम है, माता का नाम चंद्रदेवी है, माता का नाम चंद्रदेवी है। स्थान अगर पूछे कि किस स्थान पर इनका जन्म हुआ है, तो कोलकाता के हुगली के जिले के कमरपुकुर में हुआ, कमरपुकुर के अंदर हुआ। बात करें इनके शिष्य कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो काली माता की उपासना के नाम से भी इनको जाना जाता है। बात करें रामकृष्ण परमहंस को भिक्षु किसने सन्यासी बनाया, तो एक भिक्षु थे या इनके गुरु मान लें जिनका नाम था तोतापुरी, 1865 में इन्हें क्या बना दिया, सन्यासी के रूप में बना दिया। बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु कब होती है बच्चा, इनकी मृत्यु की बात करें तो कब मृत्यु होती है, 1886 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। ये याद रखो, मृत्यु होने के बाद स्वामी विवेकानंद इनकी याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। वो स्थापना होती है 1 मई 1897 के अंदर होती है। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो हेडक्वार्टर कहां है, तो वल्लूर मठ के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है बच्चों। तो ये फैक्ट है जो आज की बता रहा हूं, करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी प्रकार हम जुड़ते रहेंगे, तब तक के लिए मिलते रहें, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।